रैली के अंदर कुल मिला के 11,034 कैंडिडेट थे जो आवेदक यहाँ पर थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसमें से लगभग 8,000 कैंडिडेट ग्राउंड पे इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे और दौड़ में तकरीबन 6,500 कैंडिडेट पहुँचे दौड़ के अंदर। अभी भी दौड़ की प्रक्रिया अभी भी समाप्त नहीं हुई। लास्ट वर्ग की जो कैटेगरीज हैं नर्सिंग असिस्टेंट और ये अभी भी चल रहे हैं, जैसा कि आप देखते हैं। बाकी की हमारी टेस्टिंग प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो सेना भर्ती कब से कब तक चलेगी? सेना भर्ती अभी आखिरी जो दौड़ है वो 25 तारीख दोपहर तक हमारी ये दौड़ की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद में बाकी के 2-3 दिन यहाँ पर जो बैलेंस लड़के जिनके जो आवेदक हैं जिनका मेडिकल पेंडिंग है भी वो उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन जो भी इन्होंने हमें दिया गया है उसको अच्छी तरह से जांच करके उनकी एंट्रियाँ वगैरह चेक करके उन्हें क्लोज करके जो टीम बाहर से आई है टेस्ट करने वाली वो हमारे क्लोज को हैंड ओवर। मथुरा जनपद में 6 जिलों की सेना भर्ती को लेकर आज दूसरे दिन फिरोजाबाद के कैंडिडेट यहाँ पे आए और करीब 11,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया सेना भर्ती को लेकर और करीब वहाँ से 8,000 कैंडिडेट मथुरा पहुँचे सेना भर्ती के लिए। जिस प्रकार से यहाँ दौड़ हुई उसके बाद फिजिकल जो मेडिकल किया जा रहा है उसी को लेकर यहाँ पर पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है। कहीं ना कहीं सेना के अधिकारियों ने एक मैसेज जरूर दिया था क्योंकि जो दलाल और जालसाज के संबंध में देकर किसी भी तरह की कोई उलझन ना करें ना उनके झांसे में फंसे उसको लेकर यहाँ पारदर्शिता अपनाई जा रही है। उसी को लेकर यहाँ पे कैंडिडेट अपना शारीरिक परीक्षण पूरा कर रहे हैं। प्रवीण कुमार शर्मा, ETV भारत।